प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना मीडिया से हुए रूबरू। कहा 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर का हुआ है बहुत तेजी से विकास, विभिन्न योजनाओं का गोरखपुर के लोगों को मिल रहा है लाभ। दो अगस्त को गायब 12 वर्षीय बालक का शव रविवार को मिला कुएं में। मामला चिलाताल थाना क्षेत्र के मीरपुर गांव का। एसपी नॉर्थ ने कहा शव को कब्जे में लेकर भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी आगे की कार्यवाही। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग प्रभारी मंत्री गोरखपुर मंडल सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। अधिकारियों को दिए निर्देश का विकास कार्यों को समयबद्ध ढंग से गुणवत्ता के साथ अवश्य की जाए, कार्यों का नियमित रूप से मॉनिटरिंग। नौवीं पर मुहर्रम के निकलने वाले जुलूस की तैयारियों पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस फोर्स की लगाई गई है पर्याप्त ड्यूटी। ड्रोन बॉडी वार्म कैमरे से की जाएगी निगरानी। गैंगस्टर एक्ट में जब्तशुदा मकान के सील व ताला तोड़कर मकान में निवास करने वाले दो गैंगस्टर अभियुक्त को खोराबार पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया खुलासा। अगस्त को ज्वाला निषाद के अपहरण में शामिल तीन अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया खुलासा। ग्यारह अगस्त से 17 अगस्त तक सभी नागरिक अपने घरों पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत फहराएं तिरंगा। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने नागरिकों से की अपील। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर एडीजी जोन अखिल कुमार ने अपने परिवार के साथ बाबा भोलेनाथ का किया दर्शन व पूजन। कहा पूरे जोन में पुलिस से मुस्तैद सकुशल संपन्न कराए जाएंगे त्योहार। महीने के पहले व तीसरे बुधवार को ब्लॉक दिवस का किया जाएगा आयोजन। जनता के समस्याओं को सुनकर किया जाएगा समाधान। डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने दी जानकारी। गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री ने जिला अस्पताल के ओपीडी कक्ष का किया औचक निरीक्षण। खामियां पाए जाने पर लगाई फटकार। कहा आमजन को हर तरह की उपलब्ध हो सके स्वास्थ्य सुविधा, प्रदेश सरकार कर रही है कोशिश। बंगाली झोलाछाप डॉक्टर द्वारा बवासीर के ऑपरेशन से गए राम आशीष गुप्ता की जान। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा झोलाछाप डॉक्टर के ऊपर मुकदमा हुआ दर्ज, जल्द होगी गिरफ्तारी। नवीन महवा मंडी स्थित कान्हा उपवन का उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने अन्य मंत्रियों के साथ किया निरीक्षण। गायों को खिलाया चारा। गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त संतोष ठठेरा को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसएसपी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मानक के विरुद्ध और हॉस्पिटल माफिया पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जेएस हॉस्पिटल न्यू कालिंदी हॉस्पिटल को किया सील। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। और बाबा मोटेश्वर मंदिर में श्रावण माह के चौथे सोमवार को बाबा मोटेश्वर को जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। सरयू नदी में स्नान कर कांवड़ियों ने जल भरकर पिपराइज के बाबा मोटेश्वर शिव मंदिर में चढ़ाया जल। मंदिर के महंत संतोष गिरी ने कहा मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से करते हैं पूजा अर्चना, उनकी मनोकामना होती है पूर्ण।